शहर की आबादी 50 लाख है। नागपुर में भी कोरोना वायरस के 4 संदिग्ध लोगों की जांच मेडिकल में की जा रही है। मेडिकल अस्पताल द्वारा कोरोना की जांच पड़ताल बढ़िया तरीके से की जा रही है, ऐसा समाधान महापौर संदीप जोशी ने व्यक्त किया। नागपुर का मेडिकल अस्पताल पूरे एशिया में काफी परिचित है। इस अस्पताल में रोजाना सैकड़ों अलग अलग बीमारियों के मरीज अपना इलाज करवाने इसी मेडिकल अस्पताल में आते जाते रहते हैं। कोरोना वायरस से जुड़े निगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के मरीज मेडिकल के डॉक्टर्स की टीम में जांच कर रहे हैं। मेडिकल अस्पताल में अब तक 3 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि शहर के 4 कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर मेडिकल अस्पताल का कामकाज काफी अच्छा हो रहा है, जिस पर नागपुर के महापौर संदीप जोशी ने समाधान व्यक्त किया है। नागपुर के महापौर संदीप जोशी इस समय हमारे साथ में, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि मेडिकल में जिस प्रकार से उन्होंने आज जो एक मुआयना किया है कोरोना वायरस को लेके कि क्या स्थिति बनी हुई है। सर, जिस प्रकार से आज आप नागपुर को तंदुरुस्त रखने के लिए जो आज दौरा जो किया है, इसके बारे में क्या जानकारी है? नहीं, यहाँ पर 3 पेशेंट्स हैं और 4 पेशेंट्स जिनकी अंदाजा है, ऐसे पेशेंट्स हैं। जो 3 पेशेंट्स हैं उसके बारे में देखा कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था उनको यहाँ पर मिल रही है। तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है और अरेंजमेंट एकदम अच्छी अरेंजमेंट है। देखिए, एक चीज़ हमने और आपने समझने की आवश्यकता है कि ये वक्त हमारे ऊपर भी कभी भी आ सकता है। आज वो कोई बहिष्कृत नहीं है, उनको आइसोलेट रहना पड़ रहा है 14 दिन के लिए। वो रहेंगे, उसमें से वो निकल आएंगे और यहाँ पर अरेंजमेंट हमारे प्रशासन ने काफ़ी अच्छी की है। मैं सच में अप्रिशिएट करना चाहूँगा यहाँ के डीन, यहाँ पे के सुपरवाइज़र, यानी हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये लोगों ने मेडिकल के सभी टॉयलेट्स में जहाँ पे वार्ड्स है ऐसे, वहाँ पे एक दिन में कमोड्स ला के लगाए हैं, क्योंकि ये जो आने वाला तबका है ये थोड़ा सा ऊँचे क्लास का है जी। तो उनको आसान नहीं होता नॉर्मल इंडियन टॉयलेट्स, तो उन्होंने एक दिन में कमोड से लेके सभी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बदली है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों ने अपने आप को डिसिप्लिन में एक चौकट में अगर बराबर बांध लिया आने वाले 15 दिनों में, तो नागपुर से हिंदुस्तान से कोरोना भाग जाएगा। सर, जो निगेटिव है वो कितने हैं? निगेटिव 4 पेशेंट है, उनको आज 24 घंटे के लिए रखा है उन्होंने शायद। तो 4 संदिग्ध मिले हुए जिनका जांच जारी है और मेडिकल प्रशासन काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इस प्रकार की खुद गवाही आज संदीप जोशी जी इन्होंने दी है। अब देखना ये होगा कि नागपुर से नहीं बल्कि पूरे भारत से कोरोना वायरस को हद्दपार करना है, उसके लिए पूरी तरह से मेडिकल प्रशासन इस काम में जुट चुकी है। तमाम शहर के नगर वासियों ने भी इसमें अपना सहयोग करें और कोरोना वायरस को लेकर कुछ एहतियात वो बरतना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। नागपुर के मेडिकल कॉलेज से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मीरे, इन बीसीएन न्यूज़ नागपुर।